बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। हमेशा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था और आज का काम कल पर छोड़ देता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। उसे अपने परिवेश का भी भान नहीं होता और न ही वह भाग्य द्वारा मिले अवसरों का लाभ उठाने की कला में निपुण होता है। उन्होंने अपने शिष्य के कल्याण के लिए अपने मन में एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरु जी ने कहा, मैं यह जादुई पत्थर का टुकड़ा तुम्हें 2 दिन के लिए देकर किसी दूसरे गांव जा रहा हूँ। आप जिस भी लोहे की वस्तु को इससे स्पर्श करेंगे वह सोने में बदल जाएगी, लेकिन याद रखना कि अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यही कल्पना करते हुए बिताया कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तो वह कितना खुश होगा, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट होगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए उठना भी नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर लोहे का सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के बजाय थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। लेकिन आलस्य से भरा उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो लगभग सूर्यास्त हो चुका था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं, तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्टसाध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, बाद में क्यों, आज ही क्यों नहीं।